सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान जारी है। 11 जिलों के 58 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। तो वही सुबह 7 बजे से 6 बजे तक यह मतदान होना है। तो आइए आपको बताते हैं कि 3 बजे तक क्या रहा वोटिंग प्रतिशत, कितने प्रतिशत वोटिंग हुए। कुल वोटिंग प्रतिशत 48.24 रहा। आपको बता दें कि बुलंदशहर में 50.81%, तो वही मेरठ में 48.31%, तो वही कुल आपको बता दें कि पहले चरण का कुल मतदान 3 बजे तक 48.24% रहा। शामली में 52%, बागपत में 50.61%, तो वही अलीगढ़ में 45.91%, मथुरा में 48.31%, तो वही गाजियाबाद में 44.9%, आगरा में 47.51%। आपको बता दें कि 3 बजे तक पहले चरण का मतदान कुल 48.24% हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा है। यह मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होना है। 11 जिलों के 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह मतदान जारी है। तो वहीं पहले चरण का 3 बजे तक का मतदान कुल 48.24% हुआ है। तो वहीं गाजियाबाद में 44.9% मतदान हुए हैं। तो बुलंदशहर में 50.81%, मेरठ में 48.21% मतदान हुए, तो वहीं हापुड़ में कुल 52% मतदान हुए, शामली में 52%, तो गौतम बुद्ध नगर में 47.25% मतदान हुए हैं, बागपत में 50.61% हुए। पहले चरण का कुल मतदान 3 बजे तक 48.24% हुआ है। जहां पहले चरण का मतदान जारी है 11 जिलों के यह मतदान होना है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक यह मतदान होना है। तो वहीं हम आपको बता रहे हैं कि 3 बजे तक कुल मतदान 48.24% हुआ है। पहले चरण का मतदान जारी है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक के मतदान होना है। 11 जिलों के 58 सीटों पर आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में यह मतदान हो रहा है। तो वहीं 3 बजे तक कुल 48.24% मतदान हो चुके हैं। मेरठ में 48.21% मतदान हुए हैं, तो वहीं हापुड़ में 52% हुए हैं, शामली में भी 52% मतदान हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर में 47.25% मतदान हुए हैं। मैं 2022 के विधानसभा चुनाव में मथुरा जनपद ये 5 विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, मतदाताओं में इतना उत्साह है, लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ आ रही है। लोग कोविड-19 का पालन भी कर रहे हैं, जगह जगह बूथों पर हेल्प डेस्क समय हम खड़े हुए हैं। BSA कॉलेज मतदान केंद्र पर जहाँ लोग भारी संख्या में मतदान करके लौट रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा उन्हें मतदान करके। तो बताइए बहन जी, आपका नाम क्या है? रेखा बघेल। तो रेखा जी, कैसा लग रहा है मतदान करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, बहुत आराम से है, ठीक है। आप मतदान करके आ रही हैं, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, खूब। कोई दिक्कत परेशानी तो किसी प्रकार की नहीं हुई? जवाहर इंटर कॉलेज विद्यालय में हम खड़े हुए हैं जहाँ मतदान चल रहा है। इसी क्रम में एक हमारी माता जी हैं जो पैर से विकलांग होते हुए भी मतदान करने इस बूथ पर आई है। तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीरा है। अच्छा माता जी, ये बताओ आप क्या करने आई हैं यहाँ? वोट डालने। वोट डालने आई हैं आप? आपके पैर में तकलीफ है फिर भी आप वोट डालने आई हैं? हाँ। तो आपके अंदर जज्बा है वोट डालने का, आप क्या मानती हैं वोट डालना चाहिए प्रत्येक आदमी को? वोट ही डालेंगे। वोट ही डालेंगे, वोट डालना चाहिए सबको। है पोलिंग टेबल पर जहाँ पर लोग काफी संख्या में वोटर लिस्ट में नाम ना आने के कारण वंचित मतदान से वंचित रह गए, तो इसी संबंध में बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हरी। आपका नाम क्या है? हरी। हरी हरी जी, आपने मतदान किया? क्यों नहीं किया, क्या कारण रहा? पर्ची नहीं आई। पर्ची नहीं आई। भैया आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक जी, आप बताएं, आप मतदान करके आए हैं या करने जा रहे हैं? कर नहीं पाए हम अपना मतदान। अच्छा, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। आपको ये जिम्मेदारी किसको सौंपा, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़? जिम्मेदार इसके लिए मैं गवर्नमेंट को ही मानता हूँ, क्यों नाम नहीं दिया गया हमारा? हम सुबह से परेशान हो रहे हैं। 18 साल के हो चुके हैं? 25 साल के हो चुके हैं। आपका नाम क्या? जी टीटू बघेल।
हाँ तो फिर मेरा ही वोट नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं आया। सेम पे बोला हमारी भी। आप भी वंचित रह गए जी। आपकी एज क्या है? एज हुई 27 साल। 27 साल तो इसका मतलब ये है कि आपको दो बार वोटिंग हुई जी। एक भी वोटिंग नहीं आई हमारी। वोटिंग की थी आपने? नहीं की थी, पहले भी नहीं आई थी, पहले भी नाम डलवाया था अपना, अब के भी नाम नहीं आया है। तो इसमें दोनों वोट हमारे बीजेपी के खराब हुए हैं, बीजेपी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। किसी के भी वोट खराब हुए लेकिन आप मतदान से वंचित रहे। जी हाँ बिल्कुल। तो आपने देखा कि वोटर लिस्ट में नाम ना होने के कारण ये लोग मतदान से वंचित रह गए। मैं 2022 तो आपने देखा कि मथुरा की जनता का क्या राय है। सभी मतदान केंद्र पे पहुंचे हुए हैं, जोश के साथ सभी मतदान कर रहे हैं। वहां के मतदान केंद्र पे खासा भीड़ भी आपको देखने को मिली। वहां की जनता का राय आपने देखा कि किस तरह से और किन मुद्दों पे वहां की जनता इस बार मतदान कर रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतदान नहीं कर पाए, उनमें खासा नाराजगी भी देखने को मिली है। उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहा जिसके वजह से वो लोग तो आपने देखा मथुरा की जनता का राय, मथुरा की जनता में खासा उत्साह देखने को मिला मतदान को लेकर। शांतिपूर्वक ढंग से वहां पे मतदान संपन्न हो रहा है। तीन बजे तक के परसेंटेज भी हमने आपको दिखाया कि कितने प्रतिशत किस जिले में कितना मतदान हुआ है। अभी 4 बज चुके हैं और 2 घंटे और अभी बाकी है, 6 बजे तक यह मतदान होना है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मथुरा जीवनदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीवनदीप, किस तरह से मथुरा की जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर के? मैं आपको बता दूं कि मौसम थोड़ा सुबह से ठीक नहीं था, फिर भी लोगों ने उसका लुत्फ उठाते हुए मतदान में पूरी अपनी जोश और उत्साह से मतदान पूर्ण रूप से किया। और अभी भी 2 घंटे बचे हुए हैं मतदान के लिए और लोगों में अभी उत्साह बाकी है। लेकिन कहीं कहीं छुटपुट घटनाओं को लेकर के कुछ बातें सामने आई, क्योंकि उन्हें उनका समाधान जल्द ही करके और मतदान को शुरू करा दिया गया था। मथुरा की जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट दे रही है? विकास के मुद्दे, मौजूदा सरकार की, या कुछ और मुद्दों पे? इसी क्रम में मथुरा की जनता से जब हमने बात की कि आप किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव को दे रहे हैं, तो लोगों ने, किसी ने तो विकास को लेकर के बताया, किसी ने धर्म को लेकर के बताया और किसी व्यक्ति ने अपना मंतव्य बताने से इनकार किया कि वो ये चाहता था कि हम जिसको भी वोट दें हम केवल विकास के नाम पर ही वोट देंगे, बाकी और कुछ नहीं। जी, खबर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नजर बनाए रखिए, देखिए किस क्या कुछ है वहां की जनता। तो हम आपको फिर से मथुरा में लेके चलेंगे जहां हमारे संवाददाता मौजूद है। वहां के लोगों से बात कर रहे हैं, वहां की जनता से लगातार बात कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर वहां की जनता वोट दे रही है। हमारे संवाददाता से हम फिर से जुड़ेंगे, हम जानेंगे कि वहां की जनता का क्या राय है, किस तरह से अपने मत का प्रयोग वहां की जनता कर रही है। आपके साथ इस वक्त बात करने के लिए क्या कोई मौजूद है? लोगों का क्या विचार है इस मतदान को लेकर? लोगों में उत्साह है और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मथुरा वृंदावन के मेयर साहब जुड़े हुए हैं, मुकेश कुमार आरबंधु। मैं आपको उनके साथ ले चलता हूं, उनकी क्या राय है, किस मुद्दों पर ये जनता के बीच में गए और किन मुद्दों पर इन्होंने वोट मांगे जनता से और जनता का रुझान किस तरफ है। आइए अब मैं ले चलता हूँ मथुरा वृंदावन के महापौर के साथ, डॉक्टर मुकेश कुमार आरबंधु। आप बताएं कि आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के गए और किन मुद्दों पर जनता से वोट मांग रहे हैं और कितना आप खड़े उतरे हैं? देखिए, हम और हमारी सरकार दोनों ही हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने विकास किया है, विकास जनता के सामने है और विकास बोल रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और इसी बात पर, मुद्दे के और विकास के नाम पर हम जनता में गए और उस पर हम खड़े उतरे। आपको क्या लगता है 2022 का चुनाव इस बार सरकार बीजेपी की बन सकती है? निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बन रही है और मथुरा में 5 विधानसभा की सीट है और 5 विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वो ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो चुनाव पोजीशन है, जैसे कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा जी यहाँ बिजली विभाग के मंत्री भी रहे, तो लोगों की नाराजगी भी थी उनके प्रति, क्या ऐसे में आप मानते हैं कि मथुरा वृंदावन विधानसभा की सीट यहाँ मंत्री साहब के पाले में जाएगी या बीजेपी के पाले में जाएगी? देखिये, निश्चित तौर पर बीजेपी के पाले में जाएगी। हमने बहुत विकास किया है, चाहे मंत्री जी ने किया हो या नगर निगम के द्वारा हुआ हो। बात तो एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और हमारी सरकार विकास कर रही है। हमने बहुत विकास किया है और जो कुछ अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है तो उसको पुनः कराएंगे। तो विकास के नाम पर ही हम जनता के बीच में गए हैं और जनता अपना पूर्ण आशीर्वाद हमको दे रही है। मथुरा जिले में 5 विधानसभा सीट है, 5 विधानसभा सीट में से आप कितनी सीट अपनी मान? निश्चित तौर पर हम 5 सीट है। तो आपने देखा मैम, हमारे साथ इस समय हमारे साथ इस समय रहे डॉक्टर मुकेश कुमार आर बंधु, उन्होंने बोला मथुरा जिले में 5 विधानसभा सीट है और इनकी जीत पक्की है। जी जीवनदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहाँ की पोलिंग बूथ पर अभी भी आप नजर बनाए रखिए, 6 बजे तक मतदान होने हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे अपने और भी संवाददाताओं के साथ जुड़ेंगे जो अलग अलग जगहों से मौजूद है, आपको चुनावी हाल बताएंगे। अलग अलग मतदान केंद्रों पे क्या कुछ मतदान का इस वक्त प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं चल रही है, किस तरह से लोग मतदान कर रहे हैं और सबसे जो अहम बात है किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं, तो फिर हम आपको एक बार फिर से बता दें। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहले चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। 3 बजे तक कुल मतदान के प्रतिशत 48.24% मतदान हो चुके हैं, तो वहीं शामली में 52% मतदान हुए हैं, बागपत में 50.61% मतदान हुए हैं, अलीगढ़ में 45.91% मतदान हुए हैं, तो वहीं गाजियाबाद में 44.9% मतदान हुए, आगरा में 57.51% मतदान हुए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि आज पहले चरण का चुनाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होना है, तो वही आप देख सकते हैं कि कुल मतदान 48.24% अभी 3 बजे तक हो चुका है, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होने हैं। तो वही आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अलग अलग मतदान केंद्रों पर जुड़े हुए हैं, तो वही बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ने मतदान केंद्र का जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे पोलिंग बूथ पर और यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि जो मतदाता है उनका आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और मैं आपको बता दूँ कि कोरोना गाइडलाइंस का भी साथ ही साथ पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्कल बनाए गए हैं जिसके यहाँ पर मतदाता जो हैं वो उस सर्कल में रहकर अपने जो वोट अंदर जाने की उन्हें अनुमति प्रदान की जाएगी। और पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर लगातार किए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर की अगर बात करूं तो अब तक लगभग 50% मतदान बुलंदशहर में पूरा हो चुका है। यहाँ पर कुछ मतदाता हैं हमारे साथ और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए बुजुर्ग हैं बाबा, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और क्या नाम है आपका? आप ये बताइए आपकी कितनी उम्र है? आज आप वोट देने आए हैं, क्या लगता है कि विकास के मुद्दों पर वोट होगी और क्या लगता है आपको कि वापस सत्ता वापस आएगी यहाँ पर? किन किन मुद्दों को लेकर आपने वोट कर लिया आज? मुद्दा पर जो कभी काम बढ़िया हो रहे हैं, काम अच्छे हो रहे हैं, बहुत बढ़िया काम से खुश हैं। दुनिया पाल से हम बात भूखे राज्य पाल दिए, आप बताइए आपका क्या नाम है? राजवीर सिंह बराल का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, किन किन मुद्दों को लेकर आज आपने? मुद्दा यही है साहब, सुरक्षा पक्षियों की, इंसानों की, भ्रष्टाचार से मुक्ति और सड़क वगैरह की जो बढ़िया सुरक्षा, यही चाहिए हमें। वापस सरकार आई, वापस भाई योगी जी आएंगे। तो देखा साफ तौर पर यहाँ पर जो है देखा गया है, और कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दिन का रुझान किस तरह का। क्या नाम है आपका? आज आपने वोट मतदान करने आए हैं और किन मुद्दों को लेकर आज आपने मतदान किया है? भ्रष्टाचार, सड़क व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था बताओ। कोई भी हो, हमें तो बस सच्चाई की राह चलने वाला वही चाहिए सरकार, जो सच्चाई पर चले। तो देखिए
बड़ा साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा के इंतजाम साफ तौर पर यहाँ पर जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम और भ्रष्टाचार और महंगाई, इन सब चीज़ों पर लेकर यहाँ पर जो वोटर है वो विकास के मुद्दों, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए तैयार है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग 50% मतदान बुलंदशहर के अंदर लगभग पूरा हो चुका है। बुलंदशहर से शिवांग शर्मा, टाइम टीवी है, सिकंदराबाद। सुबह 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक मतदान होने हैं। अभी 2 घंटे शेष और रह गए हैं मतदान में। तो वहीं हम आपको स्क्रीन पे सीधा दिखा रहे हैं कि पहले चरण का मतदान 3 बजे तक कुल 48.44% हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि 11 जिलों के 58 सीटों पर यह मतदान होने, अलग अलग शहरों से अलग अलग मतदान के आंकड़े सामने आ रहे। तो आगरा में 47.51% मतदान अभी तक हो चुके हैं। गाजियाबाद में, बुलंदशहर में 50.81% मतदान हो चुके, मेरठ में 48.61% हो चुके हैं। तो वहीं शामली में 52% मतदान हुए हैं। आपको बता दें कि कुल मतदान 48.24% 3 बजे तक हो चुके हैं। वहीं बागपत से 50.61% मतदान हो चुके हैं। आपको बता दें कि 3 बजे तक कुल पहले चरण का मतदान 48.24% पड़ा है। तो वहीं बुलंदशहर में 50.81% पड़ा है, मेरठ में 48.21% वोट पड़े हैं। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा जाए तो एक तरह से अहम सीट इस बार का माना गया था, क्योंकि तमाम मुद्दे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठ करके आए थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो कैराना से पलायन का मुद्दा हो। वहीं अगर देखा जाए तो सरकार के कुल 9 मंत्री भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों से चुनावी मैदान में है। लगातार हमारे रिपोर्टर वहां से प्रतिक्रिया बता रहे हैं, लोग क्या किस मुद्दों पे मतदान कर रहे हैं, लोगों के क्या मत है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से लगातार आपको बता रहे हैं कि लोग किन मुद्दों पे कैसे वोट दे रहे हैं। तो वही अभी तक आपको बता दें कि पहले चरण का 3 बजे तक कुल 48.24% मतदान हुआ है। तो वही बागपत में 50.61% मतदान हुआ है, गाजियाबाद में 44.9% मतदान हुआ है। अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस जगह पे, किस जिले से कितने प्रतिशत अभी तक 3 बजे तक मतदान हुए पहले चरण का। पहले चरण का मतदान कुल 11 जिलों के 58 सीटों पर होने थे। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक ये होने हैं। को बता दें कि पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। तो वही आपको जैसे कि हमने बताया कि अलग अलग जगह मतदान केंद्रों पे हमारे संवाददाता मौजूद है। तो वही बुलंदशहर से हमारे संवाददाता शिवांग शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि बुलंदशहर की सीटों पर जनता किस तरह से वोट दे रही है, उनकी क्या प्रतिक्रिया। शिवांग, वहां की जनता की सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है और लोगों में कितना उत्साह है मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के खासा इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर पुलिस प्रशासन और पुलिस बल तैनात है। लगातार वो जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरी तरीके से पुख्ता किए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो 3 बजे तक जो लिस्ट जारी हुई है उसमें ये बताया गया है कि लगभग 50% मतदान बुलंदशहर के अंदर पूरा हो चुका है। 50% मतदान सातों विधानसभा क्षेत्रों का अगर आंकड़ा अगर बात करें तो लगभग 50% मतदान पूरा हो चुका है। और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो वोटर्स आ रहे हैं वो काफी उत्साहपूर्वक आ रहे हैं और लगातार उनपे खुशी अलग ही दिख रही है कि इस प्रकार से वोट अपना इस लोकतंत्र के महापर्व को इतने अच्छे से खुशहाल कर रहे हैं। वहां की जनता किस मुद्दे पे मतदान कर रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे बीच में उठे थे, किसानों के मुद्दे, तो वहां की जनता इस समय किस मुद्दे पर वोट दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए जब हमने यहाँ की जनता से, यहाँ के वोटरों से बात की तो साफ तौर पर उनका यही कहना है, जो उनके मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं और रोजगार के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटर्स अपने वोट डालने के लिए लगातार जा रहा है। और उनका लगातार यही कहना है कि जो विकास के मुद्दे हैं इन तो मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा और आगे जो जो भी सरकार है उनको जो है जो उन्होंने काम किए हैं उन काम के आधार पर उनको वोट हासिल होगा। और मैं आपको बता दूं कि लोगों में उत्साह इतना देखने को मिल रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने खुद खबर चलाई थी कि यहाँ पर जो
जो बुजुर्ग थे एक लगभग 90 से 95 साल के थे, वो खुद पैदल चल करके वहां पर पोलिंग बूथ पर आए थे और उन्होंने अपना वोट डालने के लिए अंदर गए थे। शिवांग, बुलंदशहर के युवाओं में मतदान को लेके कितना जोश दिख रहा है और युवा कितने एक्टिव मोड में मतदान कर रहे हैं, क्योंकि अभी मात्र 2 घंटे और बचे हैं मतदान में। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे मात्र बचे हैं मतदान में और लगातार उनका यही कहना है कि जो युवा हैं वो रोजगार को लेकर ज्यादा उनका रुझान है, रोजगार को लेकर ज्यादा ध्यान में रख रहे हैं कि रोजगार को लेकर वोट की जाए। उनके मुद्दे जो हैं वो रोजगार के मुख्यतः जो साबित हो रहे हैं। वहां के युवाओं का क्या किसी विशेष पार्टी की तरफ रुझान दिख रहा है? आपने वहां के जनता से बातचीत की तो वहां के युवाओं का, वहां के लोगों का क्या किसी विशेष पार्टी की तरफ रुझान दिख रहा है? कि देखिए यहाँ पर जो साफ तौर पर देखा जा रहा है, जब हमने बात की तो ज्यादातर उनका जो देखने को मिला है वो बीजेपी की तरफ ज्यादातर देखने को मिला है। जो युवाओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें तो विकास के मुद्दों को लेकर, हमें तो सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के तो अपनी वोट दी है और वो हमारी वोट जो है वो बीजेपी को गई है। यानी कि खासा रुझान यहाँ पर बीजेपी की तरफ देखने को जो है युवाओं की तरफ से मिल रहा है। जी नजर बनाए रखिए, 2 घंटे और बचे हैं मतदान में। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे संवाददाता लगातार जिले के अलग अलग मतदान केंद्रों पे मौजूद है और वो आपको बता रहे हैं कि वहां की जनता का रुझान क्या है, किन मुद्दों पे जनता अपने वोट को दे रही है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है। आपको बता दें 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा है, लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, लोग अपने मतों का भारी मात्रा में जाकर उपयोग कर रहे हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। हमारे संवाददाता लगातार आपको अलग अलग जगहों से, अलग अलग मतदान केंद्रों से बता रहे हैं कि किस मतदान केंद्र के क्या रुझान है, वहां के लोग किन मुद्दों पे इस बार वोट दे रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहले चरण का चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई मायनों में खास भी देखा गया है, लगातार जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई मुद्दे सामने आए हैं, चाहे वो कैराना पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो गन्ना किसानों का मुद्दा हो, तो इस बार जनता काफी जागरूक हो गई है, कई मुद्दों को नजर में रखते हुए इस बार वोट दे रही है। आपको बता दें कि 11 जिलों की 58 सीटों पर यह मतदान होना है। वहीं अलीगढ़ से नितेश माहेश्वरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, अलीगढ़ के मतदान केंद्रों का क्या जायजा है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है वहां मतदाताओं के लिए? मैं आपको बता दूं, सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो सुरक्षा के इंतजाम काफी किए गए हैं, और अगर सुरक्षा की पूरी बात करी जाए तो सुरक्षा के इंतजाम काफी प्रशासन द्वारा काफी अच्छे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, इससे आम लोगों को कोई भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर क्या है, कोरोना प्रोटोकॉल की क्या फॉलो कर रहे हैं लोग वहां पे, प्रशासन किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करा रही है? जो भी मतदाता मत करने आ रहे हैं, अगर उसके जनता की बात करिए, जनता के लिए हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर और मास्क का सब कुछ दिया जा रहा है, जिससे जनता को कोई भी दिक्कत ना हो। दिव्यांगों के लिए और बुजुर्गों के लिए क्या सुविधा है, क्या उनके लिए कोई अलग पोलिंग बूथ बनाई गई है? दिव्यांगों की बात करी जाए तो उनके लिए एक व्हील चेयर का इंतजाम किया गया, जिससे वो आराम से अंदर लाए जा सके और वो मतदान कराया जा सके। और दिव्यांगों की बात करी जाए तो उनके लिए भी सारी व्यवस्था प्रशासन द्वारा करी गई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है अलीगढ़ के पोलिंग बूथ पे? महिला की सुरक्षा की अगर बात करी जाए तो महिला की सुरक्षा महिला पुलिस के द्वारा कराई जा रही है और काफी प्रशासन बल तैनात है हर बूथ पर। वहां की जनता किन मुद्दों पे इस बार मतदान कर रही है, बातचीत करने पे क्या कुछ सामने आया है कि अलीगढ़ की जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट देगी? अगर अलीगढ़ की जनता की बात करी जाए तो अलीगढ़ की जनता सिर्फ विकास चाहती है, जैसे पहले भी पूर्व में भी विकास हुआ है, आगे भी आगामी समय में विकास चाहेगी जनता। देखा जाए तो लगभग अब 1.5 घंटे और शेष बचे हैं, कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुके हैं अलीगढ़ में? अगर अलीगढ़ की 7 विधानसभा की बात करी जाए तो 45.91% मतदान हुआ है अभी तक, और अगर उम्मीद करी जाए तो 60% मतदान होने की उम्मीद है। क्या आपने वहां के युवाओं से बात करके और कुछ जानने की कोशिश करी कि क्या कुछ और इंतजाम है युवाओं के लिए, और युवा इस बार किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, क्योंकि देश का युवा एक तरह से रीढ़ की हड्डी कहा जाता है देश का?
अगर युवाओं की बात करी जाए, युवाओं के लिए सिर्फ नौकरियां, रोजगार, इसके मुद्दे पर उन्हें वोट दे रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि हमें आगामी सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे को रोजगार और नौकरियां हमें मिले। वहां पर प्रशासन किस तरह से लोगों को अपने विश्वास दिला रहा है कि लोग सुरक्षित मतदान कर रहे हैं, प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, किस तरह से प्रशासन वहां मुस्तैद और किस तरह से काम कर रहा है? अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन बहुत ही ज्यादा मुस्त नजर आ रहा है और अगर लोगों की बात करी जाए तो बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ प्रशासन उनको वोटिंग करा रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और देखा जाए तो प्रशासन बहुत ज्यादा सक्रिय है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिए, 1.5 घंटे अभी भी बचे हुए हैं मतदान को लेकर के। आपने देखा कि हमारे संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां का युवा, वहां का वृद्ध वर्ग, वहां का हर वर्ग अपना मतदान कर रहा है, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम है हर वर्ग के लिए अलीगढ़ के पोलिंग बूथ पर। आपको बता दें कि 1.5 घंटे और शेष रह गए हैं मतदान के लिए। सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक 11 जिलों की 58 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान होने थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई मायनों में खास भी माना जा रहा है, जिस तरह से लगातार कई मुद्दे, चाहे वो किसाने के हो, कैराना पलायन के हो, गन्ना किसानों को लेकर के हो, लगातार कई मुद्दे वहां से उठ रहे थे, सामने आ रहे थे। तो इसी बीच पहले चरण का मतदान भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। रुटेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी।